सूरत के सिटी लाइट विस्तार में स्थित सिटी लाइट कॉम्प्लेक्स का एक भाग आज अचानक धराशाही हो गया। कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियों का भाग अचानक धराशाही होने से फायर विभाग को सूचित किया गया, जिससे फायर का काफिला घटना स्थल पर पहुंचा और कवायद शुरू की। सूरत के सिटी लाइट विस्तार में स्थित सिटी लाइट कॉम्प्लेक्स का एक भाग आज अचानक धराशाही हो गया। कॉम्प्लेक्स का सीढ़ियों का भाग अचानक धराशाही होने की वजह से मौके पर खलबली मच गई। घटना के संदर्भ में फायर विभाग को सूचित किया गया, जिससे फायर का काफिला घटना स्थल पर पहुंचा और कवायद शुरू की। मलबे के नीचे दबे वाहनों को बाहर निकालने की कवायद फायर विभाग द्वारा की गई, जो कि इस घटना में कोई भी जान हानि होने की बात अभी तक पता नहीं चली है। मिली हुई जानकारी के मुताबिक सिटी लाइट कॉम्प्लेक्स में दुकानों के साथ साथ ट्यूशन क्लासेस भी उपलब्ध हैं, जो कि आज गांधी जयंती पर छुट्टी होने के कारण ट्यूशंस बंद थे और कुछ दुकानें भी बंद थी, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना होते टली। कॉम्प्लेक्स का सीढ़ियों का भाग धराशाही होने से कॉम्प्लेक्स की दुकानों में से लोग बाहर दौड़ाए। जोरदार आवाज के साथ धराशाही हुए स्लैब के कारण लोगों में डर का माहौल व्याप्त है, जो कि इस घटना में कोई जान हानि नहीं होने से लोगों ने राहत की सांस ली। सिटी लाइट कॉम्प्लेक्स में आज एक दुखद घटना बनी छे। कॉम्प्लेक्स ना दादरो धराशाही थई गया। आठ कॉम्प्लेक्स में 3500 थी 4000 विद्यार्थियों दिवस दरमियान ट्यूशन क्लासेस में भणवा माटे आवता होय छे, परंतु आजे रजा होवाथी अने खूब ज तड़को होवाथी कोई भी बालक इना पार्किंग में नहोता। खूब ओछी संख्या में बालको इना पार्किंग में हता, परंतु वाइब्रेशन आवता तमाम बालको सेफ साइड जता रह्या, जेना कारणे खूब मोटी दुर्घटना थता बची छे। साथे साथे सदनसीबे कोई भी बालक आ કાટમાલની અંદર ફસાયેલું નથી એ પ્રાથમિક માહિતી અમને મળેલી છે। આ કોમ્પ્લેક્સને ભૂતકાળની અંદર નોટિસ આપવામાં આવેલી હતી, પરંતુ કોમ્પ્લેક્સે એની સ્ટેબિલિટી માટે કામ કર્યું કે નથી કર્યું એ તપાસનો વિષય છે। કર્યું હોય તો જે કોઈ એન્જિનિયર આની પાછળ જવાબદાર છે એ તમામ લોકોની ઉપર આવનારા દિવસોમાં તપાસનો વિષય છે। પ્રાથમિક જવાબદારી મુજબ અમે લોકો ક્યારે બી આવી કોઈ ઘટના બનતી હોય છે તો જ્યાર તક રાહતની કામગીરી ના પતે ત્યાર તક બીજા કોઈ વિષયની અંદર ચર્ચા કરતા નથી। એટલે રાહતની કામગીરી એકવાર ખતમ થઈ જાય એના પછી આગળના સ્ટેપ નક્કી કરવામાં આવશે। રિપોર્ટ બાય પરવીન પઠાણ, સમાચાર ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, સુરત।